नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी कृषि बिल के बढ़ते विरोध की, बिहार में एनडीए में मची हलचल की, जानेंगे कैग रिपोर्ट में कैसे खुली गुजरात सरकार की पोल, और सिंधिया क्यों ले रहे हैं राहत के सांस, और बुलेटिन के आखिर में बात सुस्त होती अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, स्वास्थ्य मुसीबत में सभी के सहयोग की कही बात। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले की बॉलीवुड निर्देशकों से मांग, दीपिका सारा श्रद्धा को करें प्रतिबंधित। विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में एमएलसी चुनाव का ऐलान, 22 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव के लिए पड़ेंगे वोट, 11 बजे से 3 बजे तक होगी वोटिंग। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में जलापूर्ति के निजीकरण की बातों को किया खारिज, पानी की आपूर्ति को बेहतर करेगी सरकार, कहा शहर की पानी की आपूर्ति विकसित राष्ट्रों की तरह होगी अच्छी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि बिलों को लेकर सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सरकार के सहयोगी और विरोधी दोनों ही इस बिल पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं अन्नदाता भी अड़ गया है कि सरकार को बिल वापस लेना होगा। लेकिन सरकार भी अड़ गई है, बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। किसान बिल पर चल रही सियासत और अन्नदाता की परेशानी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। कृषि बिल पर विपक्ष ने खूब विरोध किया और कर भी रहा है। देश का अन्नदाता भी सड़क पर उतरने को मजबूर है, और जब से सरकार बिल लेकर आई है तब से इसकी मुखालफत जबरदस्त तरीके से हो रही है। विपक्ष तो सरकार के फैसले के खिलाफ है ही, साथ ही सहयोगी पार्टी भी सरकार का साथ नहीं दे रही है। एक तरफ जहां देश का अन्नदाता सड़क पर है, तो विपक्ष भी इसे समर्थन कर रहा है। पंजाब में आज भी किसान रेल की पटरियों पर बैठे हैं। हरियाणा में किसानों के विरोध से खट्टर सरकार परेशान दिख रही है। किसान बिल वापस लिए जाने तक विरोध का ऐलान कर चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों के विरोध की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर इस कैंपेन का एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया। वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी सरकार द्वारा अन्नदाताओं पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आइए साथ मिलकर आवाज उठाएं। वीडियो में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ कृषि विधेयकों को लाने और उनके अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी अकाली दल भी मुखालफत कर रहा है, और ये तेवर अब बढ़ती तल्खियां साफ जाहिर कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी के सहयोगी अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर ने पहले ही कृषि बिल के विरोध में मंत्री पद त्याग दिया था। अब पार्टी के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने भी बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है। जी हाँ, कृषि बिलों को लेकर बीजेपी के पुराने दोस्त और शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को ढाल बनाकर कहा है कि एक इस्तीफे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिल गए हैं, अब बारी दिल्ली के तख्त को हिलाने की है। राजीव जी, कल भारत बंद और आज भी सड़क पर विरोध, ये तस्वीरें भले ही सरकार नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन किसान सरकार से सवाल कर रहा है, हमारा क्या होगा, हमें किसके भरोसे छोड़ा जा रहा है, किसानों के सवालों से सरकार कब तक बचती रहे, किसानों के सवालों का जवाब तो देना ही होगा। जी आदित्य, बिल्कुल, किसान जो सवाल उठा रहे हैं, जो चिंताएं जतला रहे हैं, उन पर सरकार को जवाब देना ही होगा। आज भले सरकार अपनी जिद में जवाब नहीं दे रही है, या मोदी जी किसानों को समझाइश दे रहे हैं कि इन विधेयकों से उनका भला ही होगा, लेकिन उनके इस रवैये से आज नहीं तो कल उन्हें ही नुकसान होगा। किसान अच्छे से जानते हैं कि उनकी भलाई किस तरह से के नियमों में है, लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में सरकार उन नियमों को बनाने की जगह ऐसे कानून बनाने में लगी हुई है जिससे व्यापारियों का ही भला हो। सरकार न अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी कर पाई, न उन्हें उनकी फसल की सही कीमत मिल रही है, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ उत्पाद जो हैं वो किसानों से सस्ते में खरीद करके मेगा स्टोर्स में उन्हें कई गुना अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। केवल किसी बड़ी कंपनी का लेबल लग जाने से स्टोर में बिकने वाला सामान महंगा हो जाता है, और किसान अपनी मेहनत का हक पाने के लिए तरसते रहता है। ये सब तब है जबकि अभी कृषि मंडियों की व्यवस्था है। एक बार सरकार की इच्छा के अनुसार एक देश एक बाजार की बात सच हो जाएगी आदित्य, तो फिर किसानों के शोषण को कोई नहीं रोक पाएगा। किसान अपने भविष्य को लेकर इसीलिए चिंतित हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार पर अभी बहुमत का घमंड है। यह घमंड टूटे तो उसे भी उसकी हकीकत शायद समझ में आएगी, लेकिन इस वक्त देश की हालत जो है और किसान सड़कों पर है वो हम सब देख रहे हैं। धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का।
बिहार में एक बार फिर पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम के बीच बात बनती नजर आ रही है। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर नीतीश की तरफ रुख किया है, तो नीतीश ने भी दोस्ती निभाने की पहल करते हुए जीतनराम मांझी की सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। मांझी की सुरक्षा को लेकर एनडीए के स्वरूप को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। कहते हैं राजनीति में कोई अपना पराया नहीं, जिसको जिधर फायदा दिखता है वो उधर ही अपना रुख कर देते हैं। आजकल बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बिहार में दोनों गठबंधनों में हलचल तेज होने लगी है। महागठबंधन से किनारा कर चुके जीतनराम मांझी नीतीश के खास बनते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को एक तोहफा जरूर दे दिया है। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी को एनडीए में शामिल होने से पहले ही फायदा मिल गया है। बिहार सरकार की अनुशंसा पर मांझी की सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया है। जीतनराम मांझी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। नीतीश कुमार के साथ आने का मांझी को पहला बड़ा फायदा दिया गया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मांझी की सुरक्षा केंद्रीय मंत्री, एलजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य में दलित राजनीति के प्रमुख चेहरा माने जाने वाले रामविलास पासवान से बेहतर हो गई है। रामविलास पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। दरअसल राजनीति में सुरक्षा का बढ़ना ओहदे में इजाफा होना माना जाता है। नीतीश का मांझी के ऊपर मेहरबान होना बिहार के सियासत में एक नया भूचाल ला सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आक्रामक हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि सीएम नीतीश के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इसी बीच सीएम नीतीश के इशारे पर जीतनराम मांझी की एनडीए में वापसी होती है। साफ है कि नीतीश को एक दलित चेहरे की तलाश थी, जो कहीं न कहीं जीतनराम मांझी के रूप में नीतीश को मिल गया है। अब देखना होगा कि इस घटनाक्रम के बाद एलजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। बिहार में नीतीश कुमार जीतनराम मांझी पर मेहरबान है, उन्हें एनडीए में एंट्री भी दिला दी है। दोनों के बीच जो विवाद था वो मिट गया है, लेकिन गुजरात में नया विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात में आयुष विभाग को लेकर कैग ने जो रिपोर्ट जारी की है वो राज्य की बीजेपी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। तो क्या है खुलासा हुआ है और कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में सरकार कैसे काम कर रही है और देश में क्या कुछ हो रहा है, सरकार किन नियमों का उल्लंघन कर रही है, इन सभी बातों का खुलासा कैग की रिपोर्ट के जरिए हो रहा है। अब एक बार फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने गुजरात में आयुष विभाग के खराब स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। कैग ने अपनी हेल्थ सेक्टर पर जारी की हालिया रिपोर्ट में गुजरात के आयुष विभाग की कमियों को उजागर किया है। इसके साथ ही कैग रिपोर्ट ने बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयुष के कार्यक्रमों को मुख्य धारा में नहीं लाया गया। कैग की रिपोर्ट में आयुष विभाग की ओर से रिसर्च की कमी, आवंटित राशि को खर्च न कर पाने जैसे मुद्दे उठाए हैं। साथ ही रिपोर्ट में यही बताया गया है कि 2015 में मंजूर हुए प्रोजेक्ट को आयुष मंत्रालय ने पूरा नहीं किया और आयुष दवाओं की खराब क्वालिटी और फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से चेकिंग नहीं कराता है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में योजना की कमी और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के प्रावधानों के तहत काम न करने का भी मुद्दा उठाया है। साथ ही अस्पतालों की जाँच में मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए साइकेट्रिक वार्ड और दवाओं के स्टॉक में कमी होने की बात भी मेंशन की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि गुजरात में किस तरह के हालात हैं, जहां स्वास्थ्य के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। सरकार सफाई तो पेश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार की सफाई से इन गलतियों पर पर्दा डाला जा सकता है। गुजरात में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का खुलासा कैग ने कर दिया है। राज्य के सीएम विजय रूपाणी से लेकर इसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी पूछे जा रहे थे कि 8 महीने अध्यक्ष बने हो गए हैं, वो कब तक अपनी पुरानी टीम से काम चलाएंगे, नई टीम का गठन आखिर कब करेंगे, और आज इसका जवाब मिल गया। नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि टीम में किसे तरजीह दी गई है और क्या किया गया है बदलाव। जेपी नड्डा के कार्यकारी अध्यक्ष के पूर्ण अध्यक्ष बने भी 8 महीने से ज्यादा हो गया और अब उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। नड्डा की टीम में 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री, 3 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 13 राष्ट्रीय मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष होंगे। जिन लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है उसमें रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, सांसद राधामोहन सिंह, वैजयंत जय पांडा, रघुवर दास, मुकुल रॉय, सांसद रेखा वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, भारती बेन शियाल, डीके अरुणा, एम चूबा आव और अब्दुल्ला कुट्टी के नाम शामिल हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय महामंत्रियों में भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, दुष्यंत कुमार गौतम, दिलीप सैकिया, कैलाश विजयवर्गीय,
डी पुरुंदेश्वरी, सी टी रवि और तरुण चुग को शामिल किया गया है। बी एल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री और वी सतीश, सौदान सिंह और शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाया गया है। राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी विनोद तावड़े, विनोद सोनकर, विशेश्वर टूडू, सत्या कुमार, सुनील देवधर, अरविंद मेनन, हरीश द्विवेदी, पंकजा मुंडे, ओम प्रकाश धुर्वे, अनुपम हाजरा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, विजया राहटकर और अलका गुर्जर को सौंपी गई है। पार्टी के दिग्गज नेता राम माधव और अनिल जैन को नई टीम में जगह नहीं मिली है। मुरलीधर राव का नाम भी नई लिस्ट से बाहर है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम का ऐलान हो चुका है। इसमें कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं तो कई के पदों में बदलाव भी किया गया है। वैसे मध्य प्रदेश में राजनीति भी रंग बदल रही है। अब तक एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता एक दूसरे से भरत मिलाप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर विधानसभा में एक दूसरे को मेकअप मंत्री और धरना मंत्री बोलने वाले साथ साथ महाजनसंपर्क में नजर आए। पूरा मामला इस रिपोर्ट पर देखिए। भाजपा ने पंडित दीनदयाल की जयंती पर पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसके माध्यम से भाजपा आगामी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर मध्य प्रदेश की ग्वालियर विधानसभा में बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब भाजपा के कद्दावर हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया और प्रद्युम्न सिंह तोमर एक साथ नजर आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग महाजनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने जो गरीबों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, गरीबों को 37 लाख परिवारों को पात्रता पर्ची दी है, 1 किलोवाट तक के बिल फ्रीज किए हैं और किसानों के खातों में पैसे डालने की बात है, रेड़ा ठेला लगाने वालों को 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिया जा रहा है, इन सब योजनाओं का प्रचार प्रसार है। आदरणीय जयवंत सिंह पवैया जी के जनसंपर्क से जनभावल में अंतर तो आएगा ही। मंत्री महोदय जयभान सिंह पवैया की तारीफ कर रहे हैं और चुनाव में उनके प्रभाव की भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जयभान सिंह पवैया अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा सिंधिया परिवार पर तंज कसते रहे हैं, जबकि प्रद्युम्न सिंह को सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। 2018 की विधानसभा चुनाव में दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, जिसमें सिंधिया के धुर विरोधी जयभान सिंह पवैया को सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिकस्त दी थी। उस समय चुनाव के दौरान जयभान सिंह को प्रद्युम्न सिंह मेकअप मंत्री बताते थे तो प्रद्युम्न खुद धरना मंत्री के नाम से सुर्खियों में थे, लेकिन अब जयभान सिंह पवैया प्रद्युम्न सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव जिताने में साथ दे रहे हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान देशव्यापी भी है और प्रदेश में भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती जन्मोत्सव के मौके पर आज से लेकर 27 तारीख तक हम लोग द्वार द्वार जाने वाले हैं। आज ग्वालियर विधानसभा में हम लोग माननीय मोदी जी की ऐतिहासिक उपलब्धियों को लेकर, माननीय शिवराज सिंह जी की अल्पकाल की ऐतिहासिक उपलब्धियों को लेकर द्वार द्वार जाने के अभियान शुरू कर रहे हैं। और ग्वालियर 15 में चूँकि अभियान है, इसलिए हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी और हम दोनों मिलकर द्वार द्वार दस्तक देने के लिए जा रहे हैं। इस महाजनसंपर्क से एक बात तो साफ है कि जब से ज्योतिरादित्य के उसूलों पर आँच आने के कारण मध्य प्रदेश में महादल बदल हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश की राजनीति में उसूलों और सिद्धांतों के सूरज को ग्रहण लगा हुआ है। और ब्रिटेन के आखिर में बात सुस्त होती है अर्थव्यवस्था की। देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है और लगातार कई एजेंसियां देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती का दावा कर रही हैं। एक बार फिर देश की एक बड़ी एजेंसी ने देश की जीडीपी को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश स्वास्थ्य मुसीबत के साथ साथ अर्थव्यवस्था में हो रही भारी गिरावट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तमाम रेटिंग एजेंसियां ये अंदेशा जता रही हैं कि स्थितियां और खराब होने वाली हैं। एक बार फिर देश की एक बड़ी एजेंसी ने जीडीपी को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है। जी हां, आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER ने महामारी के व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभाव की वजह से चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 12.6% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। इससे पहले NCAER ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही का आकलन किया था और उम्मीद जताई थी कि देश की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 26% तक गिरेगी और आधिकारिक अनुमान भी बाद में इसके आसपास ही आए। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% गिरावट दर्ज की गई थी। जीडीपी में आई इस गिरावट के लिए सरकार द्वारा लगाई गई पूर्णबंदी को जिम्मेदार माना गया। नेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने कहा कि अब हम अनुमान लगा रहे हैं कि सालाना आधार पर जीडीपी में दूसरी, तीसरी व चौथी तिमाही में क्रमशः 12.7%,
8.6% और 6.2% की गिरावट रह सकती है और पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थव्यवस्था में 12.6% गिरावट का अनुमान है। NCAE ने समीक्षा में कहा, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि स्वास्थ्य मुसीबत पर नियंत्रण कैसे लगता है, केंद्र और राज्य सरकारें इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। अब देश के लगभग सभी एजेंसियां सरकार को चेता रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दिनभर की बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।